दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला बुधवार को समापन हो गया। दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज के सभागार में आयोजित व्याख्यान माला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शैलजा सिंह, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजवंत राव और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर संतोषी सिंह, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान माला के समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत उन्हें पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। तत्पश्चात छात्रों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति की। व्याख्यान माला के समापन समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के शैक्षिक क्षेत्र में किए गए संघर्ष पर विचार रखे। इसकी सांस्कृतिक कलाएं हो अथवा नैतिक मूल्य, चाहे वो अहिंसा का नारा हो या वसुधैव कुटुंबकम, इन सभी विचार। अगले चरण में मंचा सिंह अतिथियों के स्वागत और परिचय के लिए मैं मंचा सिंह महाविद्यालय की प्राचार्य महंत दिग्विजयनाथ शिक्षा संकाय की पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर शैलजा सिंह जी, हमारे छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी रहे। जैसे भारतीय जीवन पद्धति में योग की भूमिका, श्री गुरुक्ष पीठ की अद्वितीय अगुवाई में शैक्षिक क्रांति, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की शैक्षिक पुनर्जागरण में भूमिका, जैसे विभिन्न विषयों पर हमारे वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किया, वह निश्चित रूप से हमारे युवाओं में, हमारे प्रतिभागियों में, छात्रों में अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति उनके अंदर वह उमंग, वह संकल्प कि वो जिस महापुरुष की स्मृति में व्याख्यान माला आयोजित हो रहा है, उनके आदर्शों को, उनके आध्यात्मिक सांस्कृतिक विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। मैं इस महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों, मीडिया के से आए सभी पत्रकार बंधुओं और अपने प्रिय छात्र एवं छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोनों महापुरुषों की स्मृति में व्याख्यान हो रहा है। किसी भी महापुरुष या जिसका भी समाज में महान योगदान रहा, उसकी स्मृति को सजोने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन करना। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रति वर्ष इन दोनों महान लोगों
की स्मृति को के कृतित्व को चिर अस्थायी बनाने हेतु व्याख्यान मालाओं का आयोजन करता है। मैं प्रत्येक वर्षों की व्याख्यान माला में आप सुन चुके होंगे कि महान दिग्विजयनाथ जी का जन्म 1894 और राष्ट्र संत महान अवैधनाथ जी का जन्म 1921। मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मानता हूँ कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य तक का भारत उठता हुआ भारत, इसलिए कि वह संघर्ष कर रहा और अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा भारत आंदोलनरत। ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी ने 1932 में जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, उसके पीछे ही ब्रितानी हुकूमत के विचार तंत्र से मुठभेड़ करना, जो ब्रितानी हुकूमत या औपनिवेशिक विचार तंत्र था, उस विचार तंत्र के समानांतर एक भारतीय विचार तंत्र को खड़ा करना और दुनिया में और समाज के समक्ष उसे वैधता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती। मित्रों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना के पूर्व जेम्स मिल की पुस्तक आ गई थी, विंसेंट स्मिथ की पुस्तक आ गई थी, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज आ चुका जो सुप्रीम कोर्ट में उस समय कलकत्ता में जज थे, नाम भूला की पुस्तक थी। ये सभी पुस्तकें आ चुकी और सभी में ये दर्शाया गया था कि भारतीय समाज एक सत्वहीन, गतिहीन, अनैतिहासिक, अपरिवर्तनशील समाज। अंग्रेजों यानी हम अंग्रेजों का आना यहाँ के समाज के लिए हितकारी है, एक गतिहीन समाज को गति प्रदान करने के लिए यहाँ अंग्रेज आए हैं, एक तरह से अपने कब्जे के, अपने आधिपत्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इतिहास की संरचना। कहने की आवश्यकता नहीं, उस समय भारत परतंत्र, लेकिन देश भर में जो जहीन तरुण थे, कुछ राणा ने भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसी तरह राणा नानू सिंह, ये सभी गतिविधियों को पर नजर रखे हुए थे और भीतर भीतर ये समझ ही रहे थे कि हमारा समाज या हमारे समाज पर जो बौद्धिक आक्रमण हो रहा है उसके लिए सचमुच कहीं न कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। शिक्षा के रूप में हम थोड़े पिछड़े, जाति व्यवस्था को लेकर जो अंग्रेज हमला कर रहे हैं उसमें हम, वो हमारे लिए एक प्रतिगामी तत्व है, और स्त्रियों के संबंध में जो पर्दा प्रथा बाल विवाह वगैरह है वो भी एक प्रतिगामी, एक प्रतिगामी तत्व है जो हमें पीछे ले। इसी में उन्होंने शिक्षा के मार्ग को पहचाना, ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी, और उन्होंने सोचा कि शिक्षा के द्वारा ही समाज को ठीक किया जा सकता, व्यक्ति को एक खास घेरे में, एक खास ढांचे में बंद कर दिया,
वो जानते थे कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रमों की शिक्षा नहीं, पाठ्यक्रमों की शिक्षा मनुष्य को कुशल बनाती है और पाठ्यक्रमों से इतर जो आध्यात्मिक शिक्षा है जो योग के जरिए प्राप्त होता है, जो माता पिता के जरिए प्राप्त होता है, वो मूल शिक्षा है, वो समाज से और जीवन का से सामना करने की सीख देता है। केवल मलाईदार कुर्सी पाने के लिए ये शिक्षा नहीं होती, शिक्षा वो होती है जो जीवन का सामना करना सिखाया है।